वाराणसी की बीजेपी के मेयर मृदुला जायसवाल जी हमारे साथ हैं। मृदुला जी, अब आप यहाँ की मेयर हो चुकी हैं वाराणसी की, एक बड़ी चुनौती आपके सामने होगी। चुनौती ना कह के मैं उसको संघर्ष कहना ज़्यादा सही समझूंगी, क्योंकि जो जनता की जो सब सुविधाएं हैं जो अभी तक नहीं पूरी हो पाई, उस संघर्ष को लेके चलना है। जो मोदी जी का एक जो विचारधारा है वो विकास करना, स्वच्छता मेन, स्वच्छता का जो है एक अभियान है उसको आगे बढ़ाना है, यही मेरे लिए एक संघर्ष है। लेकिन इसके अलावा बात हम करें, सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधाएं हैं बनारस की, वो भी पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं, तो एक नया चैलेंज होगा जिसको आप संघर्ष कह रही हैं। जी, नगर निगम के अंतर्गत भाई जो आते हैं, जो भी, चाहे वो आप बिजली पूरी नहीं आती है, ये स्ट्रीट लाइट की बात आप कर लीजिए, तो ये है वो सब जो जितने अंतर्गत उसके अधिकारों के आते हैं, चाहे वो गड्ढा मुक्त सड़कें हों, चाहे वो सीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पेयजल की प्रॉब्लम हो, उन सभी को एक समस्या बन के उसको पूरा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक अगर देखा जाए तो 2 दशक से आपके ही मेयर थे, बीजेपी के ही, क्या वजह रही कि नहीं हो पाया और अब क्या सहूलियत मिलने वाली है आपको कि आपको उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा? उस समय क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम रही, ये तो पास्ट देख के चलना तो ये शायद नहीं ठीक पड़ेगा, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगी फ्यूचर में जो भी है हमारे सामने, इस समय सबसे प्लस पॉइंट है हमारे राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार है, ये संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, और निगम में भी हमारी सरकार अगर बन गई है, बन ही गई है, अब काशी की जो विश्वास उन्होंने किया है मेरे ऊपर, उस चीज़ को ले करके मुझे तो यही लगता है कि सारे काम बहुत अच्छे ढंग से होने की पूरी कोशिश रहेगी।